उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दा, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दा, हिंदुस्तान में धूम हमारी जबा की है। दाग देलवी का ये शेर इस जबान की तारीफ बयान करता है जिसे हम उर्दू कहते हैं, और अहले उर्दू जिसकी मिठास को दूर दूर तक फैलाने के लिए 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। दुनिया की सबसे शीरी जबान, सिर्फ एक जबान नहीं बल्कि एक तहजीब, इसीलिए मनीष शुक्ला का ये शेर इस तहजीबी गहराई को बयान करता है कि बात करने का हसीस तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीस तौर तरीका सीखा हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। उर्दू जबान बरे सगीर यानी हिंदो पाक की अहम तरीन जबानों में से एक है। 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया जाता है। अब तो अपनी मिठास के सबब ये बरे सगीर के अलावा भी दुनिया के कोने कोने में आन बान शान के साथ मनाया जाने लगा है, जिसका मकसद उर्दू जबान की मकबूलियत को उजागर करना और इसकी अहमियत को सराहना है, ताकि उर्दू का दायरा वसी हो सके और इसकी मिठास दुनिया भर में फैल सके। इस मौके पर एक जानिब डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश का जश्न होता है तो दूसरी जानिब यौम उर्दू तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। इस सिलसिले में राजधानी की गालिब अकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के साथ दीगर तंजीमों के परचम तले यौम उर्दू की तकरीबात का अहतमाम होता है। उर्दू एक लश्करी जबान है। उर्दू लफ्ज़ के मायने लश्कर या फौज के हैं और ये तुर्की जबान का लफ्ज़ है। उर्दू जबान हिंदी, तुर्की, अरबी, फारसी और संस्कृत जबानों के मरक्कब है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं के साथ मिलकर ये जबान तरक्की की राह पर गामजन है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक कड़ी में बांधने की लगातार कोशिश कर रही है। ये जबान आपसदारी, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम अपने शेर व शायरी, गज़लों के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ही या यूं कहें पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है। उर्दू ज़बान व अदब के ज़रिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में इत्तेहाद रहे, फ़िरका वाराना हम आहंगी रहे, गंगा जमनी तहजीब परवान चढ़े। अल्लामा इकबाल ने भी इस ज़बान के सेकुलर किरदार को कुछ यूँ बयां किया है कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती की बासियों की मुक्ति प्रीत में। यौम उर्दू एक जबान के साथ अल्लामा इकबाल की याद में मनाया जाता है। जैसे उर्दू किसी खित्ते तक महदूद नहीं रही, बिल्कुल इसी तरह अल्लामा इकबाल भी किसी एक खित्ते के शायर नहीं थे, किसी एक मिल्लत के शायर नहीं थे, वो एक आफाकी शायर थे जिनके ये अल्फाज ता कयामत हर किसी की जबान पर रहेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।